इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से अब 5 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। 5 संदिग्ध और हिरासत में मुर्तजा से पूछताछ के आधार पर। ये सभी 5 संदिग्ध कट्टरपंथी थे, इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया है कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। गोरखनाथ मंदिर पर जिस तरह से एक धारदार हथियार से बाहर जवानों पर हमला किया गया था, क्रूरता दिखाई गई थी, मंशा थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के पीछे एक हाइप क्रिएट किया जाए। और अब मुर्तजा के जो पूछताछ मुर्तजा से हुई है उसी आधार पर 5 और संदिग्ध कट्टरपंथियों से भी अब गिरफ्तारी उनकी होने जा रही है, उनको पकड़ लिया गया है। आपको याद होगा आपसे कुछ दिनों पहले गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, वो फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, उसी के आधार पर मुर्तजा को पकड़ लिया गया था। मुर्तजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसने क्या कुछ स्वीकार किया था, क्या क्या बातें कबूल की थी, ये भी आपने देखा। आरोपी मुर्तजा पर अब यूएपीए लगाने की तैयारी भी हो रही है और एटीएस ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर अब 5 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये 5 संदिग्ध कट्टरपंथी, इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी, यानी कि जो कुछ मुर्तजा करने जा रहा है ये सब कुछ इन्हें भी मालूम था। और एटीएस को पूछताछ में इसने बताया कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। इससे पहले उसने बताया कि वो जो कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, उसे वो सही ठहराने की कोशिश करता था। और फिर अब ये जानकारी ये भी है, एटीएस के सामने उसने कबूल किया है कि वो चाहता था कि शरिया कानून लागू हो जाए। गोरखनाथ मंदिर पर धारदार हथियार से बाहर जवानों पर हमला किया, वो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। पूछताछ एटीएस की हो रही थी और अब एटीएस की पूछताछ में ये जानकारी आई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक करें।